Dear viewers, subscribe to Samkalp IRS and press the bell icon to never miss a video. मुझे पता है कि आप लोग बिगनर्स कम्प्लीटली बिगनर्स है एंड आज से कुछ 12 साल पहले मैं भी ऐसी सिचुएशन में था एंड इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग. मैं भी बहुत ही कंफ्यूज था. ओके तो पहले तो मैं यानी सो दैट्स द रीजन व्हाई मैं क्या किया हूँ. मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ विच विल गिव यू सम काइंड ऑफ अ बेसिक फार्मूला टू गो अबाउट. होता यूँ है कि ये एक समंदर जैसा है. ओके यूपीएससी जो होता है जो जीएस होता है इसे समंदर जैसा है. सिलेबस आप देखोगे बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है. ऐसा लग रहा है जैसा कि एनीथिंग अंडर द स्काई पूछ सकता है. सो ऐसे सिचुएशन में करना क्या है. ओके आइडिया ये है दे आर बेसिकली टू स्ट्रैटेजीज जो आपको फॉलो करना है और दोनों स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो ही करना है. एक का नाम है संकल्प एक का नाम है विकल्प. ओके आप खाली संकल्प यूज करके संकल्प का मतलब होता है रिजॉल्व यानी डिटर्मिनेशन. विकल्प का मतलब होता है अल्टरनेटिव यानी सम काइंड ऑफ अ चीट कोड. ओके अगर आप खाली संकल्प यूज करोगे तब भी आप क्लियर कर लोगे. ओके मेरी वाइफ मुझसे एक बार जूनियर है वो खाली संकल्प यूज करके ही क्लियर कर दी थी एग्जाम. वो प्रिपरेशन करना शुरू की थी अपने ग्रेजुएशन के बीए फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन करना शुरू की थी और बहुत हार्ड वर्किंग है. ओके वो अभी भी उसको किसी इश्यूज के बारे में यानी आर्टिकल 256 आर्टिकल 251 ऐसा कुछ भी अगर पूछ लोगे कॉन्स्टिट्यूशन का तो धड़ से कुछ बोल देती है. ओके सो वो प्योर रिजॉल्व के साथ वो अपना क्लियर कर लिए. कुछ लोग प्योर रिजॉल्व से क्लियर नहीं कर पाते हैं सो उनको विकल्प की जरूरत पड़ती है. लेकिन खाली विकल्प से आप क्लियर नहीं कर सकते हो. ओके आप विदाउट द बेसिक संकल्प आप क्लियर नहीं कर सकते हो. सो मैं यहाँ पे आया हूँ आपके साथ कुछ विकल्प डिस्कस करने के लिए सम अल्टरनेटिव्स. बट अल्टरनेटिव का मतलब ये नहीं है कि आप मेन चीज को छोड़ दोगे. हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं होता है यहाँ पे. ओके बेसिक हार्डवर्क जो होता है वो करना ही पड़ेगा आपको. ओके अब विकल्प क्या है मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है ये पूरा समंदर जैसा है. समंदर में बहुत सारा चीज़ है. ओके अब प्रॉब्लम ये होता है कि आप सारा चीज़ याद नहीं रख सकते हो. कुछ लोग याद कर लेते हैं कुछ लोग याद नहीं कर पाते हैं. अब एग्ज़ाम जो होता है एग्ज़ाम में बहुत टाइम लिमिटेशन होते हैं. 3 घंटे का 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं. सडनली आप एक ऐसा क्वेश्चन देखते हो. ओके जो कि जिसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है. थोड़ा सा आइडिया है लेकिन ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है. अब आप रिकॉल भी नहीं कर पा रहे हो. ओके तो उस सिचुएशन में क्या करोगे. ओके इसके लिए क्या है ना आपको अपना टेम्पलेट्स डिजाइन करने पड़ेंगे. ओके अब टेम्पलेट्स भी दो टाइप के होते हैं. ओके एक होता है कोर कंसेप्ट के बेसिस पर टेम्पलेट और एक होता है टेम्पलेट डिराइव फ्रॉम पॉइंट्स. ओके आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ओके बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा जो टेम्पलेट हमने डिजाइन किया था अपने टाइम पे. ओके लेकिन आपको अपना टेम्पलेट खुद डिजाइन करना पड़ेगा. इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. डिस्कस इंडियाज रिलेशंस विथ साउथ कोरिया या डिस्कस इंडियाज रिलेशंस विथ केनिया या डिस्कस इंडियाज रिलेशंस विद श्रीलंका. इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है. अब आप पढ़े हो बहुत कुछ. आप पढ़े हो कि इस साल केनिया का प्राइम मिनिस्टर इंडिया आया था या हमारे पीएम साहब गए थे साउथ कोरिया होएवर. ओके ठीक है आप सुने हो बहुत कुछ. कुछ ट्यूशन भी सबको पता है लेकिन वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वे में आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो. तब ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या रिकॉल करोगे. डिस्क्राइब इंडियाज रिलेशंस विद कोरिया रिसेंट सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया सैलिएंट ट्रेंड्स इन इंडियाज रिलेशंस विद जिम्बाब्वे. अब वहाँ पर आप करोगे क्या. अब आपको रिकॉल करने में टाइम लग रहा है. सो व्हाट यू डू इज यू गो फॉर अ टेम्पलेट. ओके तो हमने अपने टाइम पर टेम्पलेट डिजाइन किया था उसका नाम था BESTT HD बेस्ट HD. हमारे टाइम में HD कैमराज कुछ आ रहे थे. अभी तो अल्ट्रा HD हो गया है. हमारे टाइम ये आते थे तो हमने ये बनाया BESTT HD. ओके इसका फुल फॉर्म है B का मतलब है बॉर्डर रिलेशंस, E का मतलब है इकोनॉमिक रिलेशंस, S का मतलब है साइंस एंड टेक, T का मतलब है ट्रेड, लास्ट वाला T का मतलब है टूरिज्म. फिर HD में आ जाता है डिफेंस टाइज एंड हिस्टोरिकल टाइज. ओके सो ये क्या है ना. ठीक है टोटल 7 पॉइंट हमने बना दिया. ओके एक्चुअली 7 नहीं उससे ज्यादा होंगे. मुझे जहां तक याद है 10 या 11 पॉइंट्स होते थे. टोटल इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड एनी अदर कंट्री टोटल 10 या 11 पॉइंट में ही सीमित है. ओके आप किसी भी कंट्री को उठा लो उसके साथ आप बस चेक करना है कि क्या क्या पॉइंट है.
तो हम लोग शुरू इस तरह से करेंगे, लेट्स से इंडिया से लेट्स से केनिया, आपने प्रिपेयर ही नहीं किया, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, आप यहाँ से शुरू करोगे, केनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इंडिया द अफ्रीकन यूनियन होल्ड्स अ वेरी की प्लेस, होल्ड्स अ वेरी की प्लेस फॉर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, एंड इंडिया हैज अ वेरी लेंदी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप विथ अफ्रीकन कंट्रीज, सेंट्रल टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अफ्रीका इज केनिया. Okay, the salient features of India's relations with Kenya are as under. उसके बाद आप पॉइंट सिस्टम शुरू कर दोगे, पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. पॉइंट 1 में क्या लिखोगे, आप ट्रेड के बारे में कुछ लिखो. ओके, आपको याद तो रह गया ना कि ट्रेड के बारे में कुछ लिखना है, आप भूल तो नहीं जाओगे. ओके, आप कुछ भी पढ़े हो इंडियाज रिलेशन विद केन्या के बारे में, किसी मैगजीन में कभी पढ़ लिए हो कि ट्रेड रिलेशन कुछ है इंडिया केन्या के साथ, कुछ एक जनरल लिख लिया. ओके, अब इसको नोट मत कीजिए क्योंकि आप अपना टेम्पलेट बनाइएगा, ये टेम्पलेट मैंने बनाया था. ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे बनाना है, क्योंकि आपका टेम्पलेट विल बी मच बेटर देन माई टेम्पलेट. मेरा टेम्पलेट 12 साल पुराना है. ओके, यू आर न्यू हियर, 12 साल में बहुत कुछ हो चुका है, एंड आप जो पढ़ोगे इट बी मच मोर पॉलिश देन व्हाट आई हैड स्टडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो आप जो बनाओगे इससे बेटर ही बनाओगे. मैं बस बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, विच विल हेल्प यू इन द एग्जाम. एग्जाम में आपको एक आंसर लिखने के लिए 10 मिनट का टाइम मिलेगा. उसमें आपको रिकॉल करना है, एग्जाम आंसर का स्ट्रक्चर बनाना है. बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, आंसर का स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, ऐसे ही पैराग्राफ वाइज में लिखना शुरू करते हैं. वो तभी होता है व्हेन यू डू नॉट हैव द पॉइंट्स इन योर माइंड. दिमाग में अगर पॉइंट है ना, कुछ लिखना है. ओके, मान लो कि इंडियाज रिलेशन विथ सियरा लियोने, आप सियरा लियोने का नाम ही नहीं सुने कंट्री का नाम, लेकिन आपको एक आंसर लिखना है. अगर आप आंसर छोड़ दिए आपको 0 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप कुछ भी लिख लिए तो एग्जामिनर सोचेगा कि चलो 10 नंबर का क्वेश्चन था, इसने कुछ भी स्पेसिफिक पॉइंट तो दिया नहीं है लेकिन सब कुछ कवर किया है. ओके, अगर सब कुछ कवर किया तो चलो कुछ तो देना पड़ेगा उसको. अगर वो 4 नंबर भी आपको दे दिया, 3 नंबर भी आपको दे दिया, दैट विल एड अप टू योर मार्क्स. 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर से लोगों का इंटरव्यू छूटा है, और ओके 1 नंबर 2 नंबर से लोगों का इंटरव्यू छूटा है, इसलिए वही 2 नंबर बहुत क्रिटिकल है. मेरा एक पॉलिसी था एग्जाम में, मैं एक भी आंसर खाली नहीं छोड़ूंगा, हर क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा, चाहे कुछ भी आंसर करूं. क्योंकि अगर कुछ भी आंसर करोगे ना, एग्जामिनर जो वहां पे बैठा है वो भी ये सोचेगा कि यार कुछ तो नंबर दे देते हैं इसको, वो यही सोचेगा. सो दैट्स द रीजन व्हाई. जैसे मान लो कि BSTT HD आपके पास एक टेम्पलेट है, आप सब चेक करते गए बॉर्डर रिलेशंस, इंडिया का कोई बॉर्डर नहीं है सियरा लियोन के साथ, इसलिए बॉर्डर रिलेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू डिस्कस दैट. लेकिन मान लो कि श्रीलंका है, देन यू रिमेंबर कि इंडिया श्रीलंका के बॉर्डर रिलेशंस कुछ है, वो रामेश्वरम सेतु है एंड उसके ऊपर फिशरमैन का कुछ कुछ चल रहा है, तो वो एक इश्यू है, उस इश्यू को रिजॉल्व करना जरूरी है. ओके, तो वहां पे आप उस चीज को ला सकते हो. ओके, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, आपको पता है कि बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में इंडियन डायस्पोरा प्रेजेंट है. देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट प्रेजेंस ऑफ मारवाड़ी एंड गुजराती बिजनेसमैन इन अफ्रीका, एंड दे आर बिल्डर्स ऑफ दोस कंट्रीज. वो कंट्रीज में जो डेवलपमेंट होता है वही लोग करते हैं. सो पीपल टू पीपल रिलेशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल. वी हैव वेरी लॉन्ग लास्टिंग कल्चरल रिलेशन जो कि 800 साल 900 साल तक चल रहे हैं. तो आपको पता है ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है. जस्ट द थिंग इज कि आप इसको ऑर्गेनाइज करके अगर लिखोगे तो नंबर मिलेंगे. अगर आपको स्पेसिफिक रिकॉल कर पाते हो तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, स्पेसिफिक रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो कम नंबर मिलेंगे. लेकिन अगर आप ये स्ट्रक्चर में नहीं डाल पा रहे हो तो आपको बिल्कुल नंबर ही नहीं मिलेंगे. ओके, यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? ओके, तो जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर आप तो अभी शुरू कर रहे हैं, किसी को आइडिया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कि क्या होता है? आपको आइडिया है? सो बेसिक स्ट्रक्चर इज अ वेरी की, आई मीन इज अ वेरी की कंसेप्ट. ओके, बहुत ही कोर कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में. कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कोई सेक्शन, कोई आर्टिकल याद रहे ना रहे, अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब पता है कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, ओके, वो एक बहुत ही स्ट्रांग इंस्ट्रूमेंट है. अगर बेसिक स्ट्रक्चर पता है आपको तो आप कुछ भी आंसर लिख सकते हो. कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, लेट्स से आपको दिया जा रहा है कि एलजीबीटी कम्युनिटी को लीगलाइज करना, एलजीबीटी रिलेशंस को हमें, यानी बाइसेक्सुअल सॉरी ट्रांससेक्सुअल्स को, ट्रांससेक्सुअल मैरिजेस या फिर लेस्बियन गे मैरिजेस को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं. ओके, सो दैट इज अ क्वेश्चन दैट वाज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली. लेकिन अगर आपको पूछा जाए आप क्या बोलोगे? आप कोई एक स्टैंड लोगे, या तो स्टैंड लोगे कि नहीं करना चाहिए या करना चाहिए. ओके, अब स्टैंड लेने से पहले आपको कुछ तो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ना, कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा ना. वहां पे आपको ये बहुत काम में आता है. अगर आपको स्पेसिफिक आर्टिकल याद आ रहा है या फिर स्पेसिफिक केस लॉ याद आ रहा है तो ठीक है, वेरी गुड. लेकिन अगर आपको क्या
हाँ केशवानंद भारती केस, नहीं नहीं केशवानंद भारती केस फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर, मैं इस एग्जांपल के लिए नहीं हूँ। ओके बेसिक स्ट्रक्चर इज हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, उसमें चार पांच केस लॉज है, वन ऑफ द क्रिटिकल केस लॉज इज केशवानंद भारती केस। ओके बट उस केस को आप यहाँ पे याद नहीं रख सकते हो। जो एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ इसके लिए अलग केस लॉज है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ आया 2018 में, 17 में केस लॉ आया, वो सब है। अब वो चीज़ आपको याद नहीं है, आपको याद है क्या वो केसेस आपको याद नहीं है? या फिर उसको पढ़ना भी अगर पड़ेगा, आप कोई एक्स्ट्रैक्ट पढ़े होंगे, अगर आपको याद रहा वो एक्स्ट्रैक्ट देन वेरी गुड, आप सीधा वहीं से शुरू कर सकते हो। लेकिन मान लो कि वो एक्स्ट्रैक्ट आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे? आप बेसिक स्ट्रक्चर पे जाओगे। ओके बेसिक स्ट्रक्चर में अभी है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट अबाउट केशवानंद भारती केस। ओके बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आपको टेम्पलेट बनाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज को बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंस ऑफ क्या क्या, हाँ हाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स, वेरी गुड। एक एक हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, हाँ जुडिशियल रिव्यू और क्या जुडिशियल एक्टिविज्म, ना 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 जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है क्या? फंडामेंटल राइट्स। ओके सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स, स्टेट सेंटर रिलेशंस। ओके उसमें बहुत अच्छी बात आपने कहा, राइट टू प्रॉपर्टी निकाला गया था, ठीक है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी कब निकाला गया था? इससे बेसिक स्ट्रक्चर का डिफिनेशन आने से पहले। ओके ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स में भी ना देयर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल राइट है, जो बेसिक स्पिरिट है फंडामेंटल राइट्स का, उसके साथ कोई वो नहीं किया गया है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। ओके सो नाउ यू ऑल हैव गिवन सम इनपुट्स, इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको डालना है। एक बार डाल दोगे तो आपके पास टेम्पलेट रेडी हो जाएगा कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में मान लो कि 7-7 चीजें आते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, स्टेट रिलेशंस, फंडामेंटल राइट्स, ऐसे 7 पॉइंट्स आते हैं। ओके अब आपके पास ये सवाल आया, ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया, ये आप पढ़ लिए, लेकिन इसको रिप्रोड्यूस नहीं करना है आपको एग्जाम में। ओके आप इसको यूज करना है, दिस इज अ टूल फॉर यू। ये कोई ये जो कंसेप्ट है ना, दिस इज अ टूल फॉर यू। लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, लोग सोचते हैं कि यही एंड प्रोडक्ट है, यही मैं निकल जाऊंगा, यही जाके मैं एग्जाम में उगल लूंगा। ओके बट व्हाट आई एम हियर टू टेल यू इज दिस इज नॉट द एंड प्रोडक्ट, ये एक टूल है जिसको आपको यूज करना है। तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, ओके ट्रांस सेक्सुअल रिलेशंस को लीगलाइज किया जाए नहीं किया जाए, उसमें आप इसको कैसे यूज करोगे? आपके पास 7 पॉइंट्स है, आप एक एक पॉइंट को चेक करो। ओके इस इश्यू पे सेंटर स्टेट रिलेशंस का कुछ इश्यू है? नहीं, काट दो। ओके फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स का कोई इश्यू है? नहीं, काट दो। ओके अब तीसरा चीज है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में भी देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर वेरी वेरी फंडामेंटल। हाँ राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ, हाँ ओके राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ओके इक्वालिटी यहाँ पे शायद नहीं आए, ओके लेकिन इक्वालिटी को भी आप खींच सकते हो, ला सकते हो इक्वालिटी को, हाँ क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन वाला निकलता ही इक्वालिटी से, 14 से ही 15 निकलता है। ओके लेकिन बहुत क्रिटिकल ये वाला पॉइंट है, राइट टू लाइफ, क्योंकि राइट टू लाइफ सुप्रीम कोर्ट बोला है कोई एक फेमस केस लॉ में कि राइट टू लाइफ का मतलब है राइट टू लाइफ ऑफ डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो आप ही लोगों से ये पॉइंट निकल के आ रहा है, ठीक है। आपके पास अगर टेम्पलेट रेडी है, आपको कुछ भी सवाल पूछ लिया जाए, आप कोई आर्बिट्रेरी से सवाल मुझे पूछो, कोई भी सोशल इश्यूज के ऊपर, एलजीबीटी को छोड़ो, और कुछ और क्या अभी चल रहा है क्या? हाँ सबरी वाला केस में भी इसको डाल सकते हो। ओके पहले आपको डिसाइड करना है कि आप इसके फॉर में बोलोगे या इसके अगेंस्ट में बोलोगे। ओके ठीक है, एक बार डिसाइड कर लिए, ठीक है, सबरी वाला केस में कौन सा आएगा? इक्वालिटी ऑफ रिलीजन बिफोर वो वाला 25-26 वाला भी आएगा, ठीक है, 15 भी आएगा, 25-26 भी आएगा। ओके वो डिपेंड करता है आप किस साइड में आप अपना व्यू लेते हो, ठीक है। जिस साइड में भी अपना व्यू लिए, आपके पास टेम्पलेट रेडी है, टेम्पलेट में आप चेक करते रहो। ओके तो उससे क्या होगा ना, आपका आंसर बहुत रिच हो जाएगा। एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक क्वेश्चन आया है, उसका आंसर आप क्या लिखोगे, जो किसी मैगजीन में आपने पढ़ा है या हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ा है। ओके आप क्या किया, आप शुरू किए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके उससे एग्जामिनर क्या सोचेगा कि योर माइंड इज अ वेरी एक्टिव माइंड।
ओके, योर माइंड इज अ वेरी वेरी फर्टाइल माइंड. ओके, आप सीधा से कॉन्स्टिट्यूशन को खींच के ला के यहाँ पे ले आ रहे हैं, एंड योर आंसर इज वेरी टेक्निकल. ब्यूरोक्रेट से हमेशा टेक्निकल आंसर इज एक्सपेक्टेड, नॉट अ लेमैन आंसर. ओके, तो व्हाट आई एम ड्राइविंग एट हियर इज दैट, ओके, कोई भी सोशल इश्यूज हो, ओके, एनीथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, या फिर गवर्नेंस रिलेटेड कोई इश्यू हो, या सोशल जस्टिस से रिलेटेड कोई इश्यू हो, वहां पे आप बेसिक स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो एज अ टेम्पलेट. आप बेसिक स्ट्रक्चर का अपना टेम्पलेट बनाइए, उसके साथ मान लीजिए कि कुछ इंटरेस्टिंग आपको और भी पॉइंट मिल रहा है जो कि लग रहा है कि तगड़ा चीज है, इसको भी लगा सकते हैं, उसको लगा दीजिए. तो आपके पास एक टेम्पलेट रेडी है, कोई भी क्वेश्चन आएगा उस टेम्पलेट को आप चेक कीजिए, उस टेम्पलेट से इश्यू निकाल के आप आंसर में आंसर लिखिए, पॉइंट्स वहां से निकाल के लिखिए, उसके बाद जो स्पेसिफिक पॉइंट है उसको भी लिख सकते हैं, जो स्पेसिफिक आर्गुमेंट्स है फॉर में या अगेंस्ट में उसको भी लिख सकते हैं. और फॉर अगेंस्ट दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर आप जब लिख रहे हो फॉर अगेंस्ट लिख के लास्ट में कंक्लूजन में आपको डिराइव बताना पड़ेगा कि आप फॉर में हो या अगेंस्ट में हो. ओके, तो आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स आ जाते हैं. तो अगर आप अपने आंसर में ऐसा कुछ आर्टिकल्स को कोट कर रहे हैं, ओके, जो कि विच इज नॉवेल, जो कि कोई न्यूज़पेपर वाला कोट नहीं कर रहा है, न्यूज़पेपर वाला तो बहुत प्लेन वनीला वाला चीज देता है ना. ओके, तो यहां पे आप अगर ऐसा कुछ कोट कर रहे हैं, दैट विल एड मार्क्स टू योर आंसर, दैट विल एड वैल्यू टू योर आंसर. ओके, सिमिलरली एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, नेशनल इंटरेस्ट. ओके, नेशनल इंटरेस्ट ये बहुत ही कोर कंसेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में. ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो सवाल आते हैं, एनालिटिकल सवाल आते हैं, बहुत सारे आंसर तो आप देखोगे यहां वहां से आते रहते हैं. ओके, कुछ कुछ हिस्ट्री कोई बताता है, कोई कोई करंट अफेयर से बताता है, कोई अपने मर्जी से बोलता है कि नहीं ये करना चाहिए वो करना चाहिए. लेकिन आप देखोगे कि पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस इज बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट. जहां पे मेरा नेशनल इंटरेस्ट है मैं उसी की तरफ जाऊंगा, बहुत सिंपल है ना. अब नेशन को जो चाहिए वही करेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्यों रख रहा है, थोड़े ना दुनिया में कुछ प्रचार करने के लिए रख रहा है. ओके, वन ऑफ द की कैसे बोलते, क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज दैट वी हैड इन 1950s एंड 1960s वो तो यही है ना कि हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट का लीडर बनने चले, एंड इन द मिड्स ऑफ दिस वी फॉरगॉट आवर नेशनल इंटरेस्ट, नेशन फर्स्ट. ओके, ठीक है, पहले देश का सोचो, फिर सोचो ये, यानी ये मूवमेंट बनाएंगे, बड़े ब्लॉक के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, ये सब चीज सोचो. आप समझ रहे हो ना मेरी बात, कुछ भी करो अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट सोचो. हो सकता है कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो बना उसमें भी अपना नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो. ओके, वो आपको समझना पड़ेगा. तो अभी के करंट अफेयर्स में अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ओके, आप जो भी आंसर लिखोगे, आंसर कोई भी आंसर करेक्ट आंसर नहीं है, कोई भी आंसर गलत आंसर नहीं है, लेकिन हर आंसर में अगर आप नेशनल इंटरेस्ट को लेके आते हो, ओके, तो आपका आंसर करेक्ट आंसर है. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हूँ. शुड इंडिया सपोर्ट इसराइल और अरब कंट्रीज इन द पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट. ओके, आप में से कोई एक कुछ आंसर दो. Should India, यानी इंडिया को इसराइल को सपोर्ट करना चाहिए या अरब कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए इन द पैलेस्टीन कंफ्लिक्ट. कितने लोग बोल रहे हैं कि अरब कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, अरब कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए कितने लोग बोल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, अब इसराइल को सपोर्ट करना चाहिए कितने लोग बोल रहे हैं? ज्यादा लोग बोल रहे हैं. तो चलो पहले इसराइल की बात सुन लेते हैं. ओके, आप बोल रहे कि इसराइल को उसको सपोर्ट करना चाहिए, रीजन बताइए. हाँ, और हाँ, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. आपका नाम कुमार क्या? हाँ, आप जैसे